हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रांसफार्मर टॉपिक को, जिसमें आज का लेक्चर ट्रांसफार्मर का थर्ड लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट ए लेवल एग्जाम्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, गुड पावर ट्रांसफार्मर हैज वोल्टेज रेगुलेशन व्हाट। एक अच्छा पावर ट्रांसफार्मर जो होगा उसका वोल्टेज रेगुलेशन कितना होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में है 100%, सेकेंड ऑप्शन में है बिलो 5%, थर्ड ऑप्शन बिटवीन 90% एंड 100%, डी ऑप्शन 50% एंड 100% के बीच में। ठीक है, तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है दिस शुड बी मिनिमम, राइट। फॉर अ गुड ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए मिनिमम, शुड बी मिनिमम। अब वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन दिस इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज, राइट। यदि आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हो जाएगा परसेंटेज में वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू, राइट। इस फॉर्मूला को याद रखना है, और इसके अलावा और भी फॉर्मूला है, उसको मैं आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज इज वोल्टेज रेगुलेशन, राइट। अब यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम होने का क्या मतलब है? वोल्टेज रेगुलेशन का मिनिमम होना, यहां पर देखिएगा, जब आप ये कहते हो कि वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम हो, इट मींस व्हाट? जो डिफरेंस है नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का, दिस शुड बी मिनिमम, राइट। जब आप किसी ट्रांसफार्मर में फुल लोड कनेक्ट करते हो तब लोड का वोल्टेज यानी कि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, उसके बाद जब उस पर आप कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करते हो, ट्रांसफार्मर को नो लोड पे रहने देते हो, उस टाइम पर सेकेंडरी का वोल्टेज, ये दोनों जो वोल्टेजेस हैं इनका डिफरेंस होना चाहिए कम, ओके। यानी कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से आप चाहे लोड को कनेक्ट करो या फिर आप लोड को कनेक्ट ना करो, वोल्टेज में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। यदि मैं आइडियली बात करूँ तो वोल्टेज में बिल्कुल चेंज नहीं आना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी जीरो आइडियल के केस में। बट यदि मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो वो मिनिमम होना चाहिए, तो जितना मिनिमम पॉसिबल हो उतना मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन आप रख सकते हो, राइट। सो यहां पर ऑप्शन बी में है बिलो 5%, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, इसने क्या कहता है? A single phase transformer is supplying power to a load at terminal voltage of 11 kilovolt. एक 11 kilovolt का terminal voltage है single phase transformer का load side, right? Load side voltage है 11 kilovolt. जब यहाँ पर load connected है तब की बात हो रही है। On disconnecting the load, जब हम load को disconnect कर देते हैं तो the terminal voltage rises to 11,550 volt, यानी कि जो वोल्टेज 11,000 volt था, लोड का जो वोल्टेज था 11,000 volt था, सेकेंडरी टर्मिनल का वोल्टेज, वो अब 11,550 volt हो गया है, राइज हो गया है एट नो लोड। तो इसमें पूछा है कि द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर फॉर दिस लोड इज व्हाट, इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा। तो मैंने अभी बताया है आपको, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज, ओके। यहां पर देखिए, जब लोड को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है तब टर्मिनल का वोल्टेज कितना है? तब वोल्टेज है 11,550 volt, राइट, माइनस फुल लोड वोल्टेज। इट मींस जब उस ट्रांसफार्मर पे फुल लोड कनेक्टेड था उस टाइम पर सेकेंडरी टर्मिनल का वोल्टेज कितना था? तो वो था 11 kilovolt, इट मींस 11,000 volt डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज, इट मींस 11,000 volt, राइट।
ये हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 11550 माइनस 11000 इट मीन्स 550 डिवाइड करेंगे 11000 से, और मल्टीप्लाई यदि मैं कर देता हूँ 100 से तो ये परसेंटेज में वैल्यू आ जाएंगे। यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से तो वैल्यू आती है 5, इट मीन्स ये हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन कितना, 5%, राइट, 5% का वोल्टेज रेगुलेशन होगा। ऑप्शन बी में गिवन है 5%, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैविंग 4% रेसिस्टेंस एंड 5% रिएक्टेंस एट फुल लोड 0.8 pf लैगिंग इज व्हाट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है। किस लोड पे फाइंड आउट करना है, फुल लोड पर। फुल लोड पर आपको रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, टोटल रेसिस्टेंस, राइट, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है परसेंटेज में, कितना है 4%। और जो लीकेज रिएक्टेंस होता है ट्रांसफॉर्मर में उसकी वैल्यू गिवन है, लीकेज रिएक्टेंस इज 5%, टोटल लीकेज रिएक्टेंस है 5%, राइट। तो यहां से रेसिस्टेंस जो परसेंटेज में लिखा हुआ है उसको हम पर यूनिट में भी लिख सकते हैं, तो आर पर यूनिट ये क्या हो जाएगा, दिस इज 5%। या तो आप इसको परसेंटेज में लिखो तो 5% लिख लो, या फिर आप इसको पॉइंट में लिखोगे तो 0.05 पर यूनिट आप इसको लिखोगे, ठीक है, ये है आर पर यूनिट। अब यदि मैं एक्स पर यूनिट की बात करूं, यानी कि रिएक्टेंस की यदि मैं बात करूं, लीकेज रिएक्टेंस की, ये कितना गिवन है 5%। सो ओ आर पर यूनिट यहां पे 4% है ना, वेट, आर पर यूनिट इज 4%, दिस इज 4%। तो आर पर यूनिट तो हमारा आ गया 4%, यानी कि 0.04 पर यूनिट, और x पर यूनिट की वैल्यू गिवन है 5%, इट मींस आप इसको लिखोगे 0.05 पर यूनिट, राइट। लोड कैसा है, लोड है लैगिंग। लैगिंग लोड के केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, लिखोगे आप r पर यूनिट इनटू cos phi, व्हाट इज cos phi, पावर फैक्टर ऑफ द लोड, राइट। सो r पर यूनिट इनटू cos phi प्लस x पर यूनिट इनटू sin phi, राइट, ये हो जाएगा लैगिंग लोड के केस में। तो यहां पर लोड तो लैगिंग ही है, लैगिंग लोड के केस में यहां पर पावर फैक्टर गिवन है 0.8 pf, राइट। सो पावर फैक्टर मींस cos phi, cos phi की वैल्यू है 0.8, तो sin phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin phi की वैल्यू हो जाएगी 0.6। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos phi का होल स्क्वायर, ओके। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से sin phi की वैल्यू मिलेगी 0.6, राइट। तो सारी वैल्यूज को यहां पर आप पुट कर दो। यहां पर देखो एक पॉइंट कि r पर यूनिट को यदि आप 0.04 लिखना चाहते हो तो वैसे ही लिख लो, जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू आएंगी वो पॉइंट में होगा, ठीक है। फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन यदि आप यहां पर डायरेक्ट परसेंटेज ही पुट कर रहे हो, 4% है, तो यहां पर r पर यूनिट की जगह पर आप 4 पुट करते हो, तब जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा, ठीक है। सो r पर यूनिट की जगह पर मैंने लिखा है 4 इंटू, हम कर देते हैं cos phi, cos phi की वैल्यू है 0.8 प्लस x पर यूनिट की वैल्यू कितनी है 5%। तो मैं यहां पर इसको पॉइंट में नहीं लिख रहा हूं कि 0.05, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 5% है तो 5 लिख रहा हूं, सो दैट जो हमारा आंसर आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाएगा। तो 5 इंटू साइन फाइव, साइन फाइव की वैल्यू कितनी है 0.6, कैलकुलेट कर लीजिए। 4 इंटू 0.8 इट मीन्स दिस इज 3.2, और प्लस 5 इंटू 0.6 इट इज 3, राइट। सो कितना आंसर हो जाएगा 6.2%। वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉजिटिव, ध्यान देना वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज लोड इज लैगिंग।
लैगिंग लोड के केस में वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव हो सकता है ना तो जीरो हो सकता है लैगिंग लोड के केस में। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6.2%, इट मींस ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर को देखिए। अ थ्री फेज 6.6 किलोवोल्ट बाय 415 वोल्ट 2 MVA ट्रांसफॉर्मर हैज अ पर यूनिट आर, यानी कि आर पर यूनिट ऑफ व्हाट? 0.02। यहां पर जो आर पर यूनिट की वैल्यू गिवन है, दिस इज 0.02। इट मींस आप इसको परसेंटेज में लिखोगे तो लिखोगे 2%, राइट? उसके बाद क्या लिखा है? द पर यूनिट लीकेज रिएक्टेंस ऑफ 0.1, सो एक्स पर यूनिट इज व्हाट? दिस इज 0.1। 0.1 मींस व्हाट? दिस इज 10%। R पर यूनिट की वैल्यू है 2%, X पर यूनिट गिवन है 10%। फाइंड द रेगुलेशन एट फुल लोड विथ 0.8 PF। फिर से यहां पर पावर फैक्टर cos phi की वैल्यू गिवन है कितनी? 0.8। पावर फैक्टर कितना है? 0.8। जब cos phi की वैल्यू है 0.8, तो व्हाट अबाउट द sin phi? sin phi हो जाएगा कितना? 0.6, राइट? सो यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन आर पर यूनिट इंटू कॉस फाइव प्लस, अब यहां पर देखो इसने लोड के बारे में नहीं लिखा है, यहां पर मैं लिख देता हूं 0.8 PF लैगिंग लिख दो, ठीक है? यहां पर लैगिंग लिख दो, यहां पर लैगिंग मिसिंग है, यहां पर लैगिंग भी हो सकता है, जो मिसिंग है वो लैगिंग भी हो सकता है, मिसिंग है तो लीडिंग भी हो सकता है। लेकिन मैंने वहां पर लीडिंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जितने भी ऑप्शंस यहां पर हैं, सारे के सारे ऑप्शन में वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, जितने भी ऑप्शन हैं, कोई भी नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन नहीं है। तो जहां भी आपको पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिल रहा है, तो वहां पर पॉजिटिव के केस में यहां पर लैगिंग होगा, लैगिंग होगा तो श्योर है कि यहां पर पॉजिटिव ही आएगा, राइट? जब लीडिंग होगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, राइट? तो पॉजिटिव है तो मैंने सेफ साइड लैगिंग लिख दिया। सो आर पर यूनिट कॉस फाइ प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाइ। आर पर यूनिट की वैल्यू मैं डायरेक्ट परसेंटेज में लिख रहा हूं 2%, तो 2 इंटू कॉस फाइ 0.8 प्लस एक्स पर यूनिट 10% है तो मैंने 10 लिखा है इंटू साइन फाइ 0.6, ये हो जाएगा 1.6 और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 6। टोटल कितना हो गया? 7.6%, राइट? 7.6% यानी कि ऑप्शन सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर विथ ओमिक ड्रॉप 2%, रिएक्टेंस ड्रॉप 5% ऑफ द वोल्टेज। अब यहां पर आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट नहीं लिखा है, रेसिस्टेंस की वैल्यू और रिएक्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है। जो रेसिस्टेंस है, टोटल रेसिस्टेंस जो ट्रांसफार्मर का है, उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, उस वोल्टेज ड्रॉप का परसेंटेज गिवन है 2%। और जो टोटल रिएक्टेंस है ट्रांसफार्मर में, उस रिएक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, उस ड्रॉप को इसने लिखा है 5% ऑफ द वोल्टेज एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा ये हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है? अब इसको आप कैसे देखोगे? देखो, रेसिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, रेसिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? करंट इनटू रेसिस्टेंस की वैल्यू, राइट? करंट इनटू रेसिस्टेंस की वैल्यू, ओके? यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं वोल्टेज से, दिस इज करंट इनटू रेसिस्टेंस की वैल्यू। अब मैं इसको रेटेड वोल्टेज से डिवाइड कर दूं, जो ट्रांसफार्मर का रेटेड वोल्टेज होगा वी, उससे मैं डिवाइड कर दूं, या फिर मैं इसको वी से तो चलो मैंने डिवाइड कर दिया, वी से मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं,
तो मैं इसको इस वी को मैं ब्रेक करूंगा दो टर्म में, इस वी को मैं ब्रेक करूंगा, एक तो होगा करंट और एक हो जाएगा क्या इंपेडेंस, टोटल इंपेडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, राइट। यानी कि इस ड्रॉप को मैं लिख रहा हूं, ड्रॉप का मैं परसेंटेज लिख रहा हूं, तो करंट आई इंटू रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय करंट आई इंटू इंपेडेंस, राइट। सो आई से आई कैंसल आउट हो जाएगा, दिस इज वॉट रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय जेड, और ये जो रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय जेड है यही तो शो करता है आर पर यूनिट को, राइट। आर पर यूनिट को हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, हमने लिया था ये जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द रेसिस्टेंस और ये जो वी है या फिर ये जो आई इंटू जेड है, इसके कंपैरिजन में हमने रेसिस्टेंस का ड्रॉप लिया था, रेसिस्टेंस का ड्रॉप डिवाइडेड बाय टोटल रेटेड वोल्टेज, वही हमने लिया है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल वोल्टेज का कितना परसेंट रेसिस्टेंस में ड्रॉप है, हमने वो लिया, और फाइनली वो मुझे कितना मिल गया, आर पर यूनिट के इक्वल मिल गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो ओमिक ड्रॉप है रेसिस्टेंस में, जो वोल्टेज का ड्रॉप है 2%, वो उतना ही होगा जितना आर पर यूनिट की वैल्यू होगी। समझ गए इस बात को? तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि आर पर यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, 2%। सिमिलरली एक्स पर यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5%। ओके, अब यहां पर पावर फैक्टर है लैगिंग, सो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन सेम फॉर्मूला यूज होगा, आर पर यूनिट इंटू कॉस फाइव, एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाइव। आर पर यूनिट 2%, कॉस फाइव 0.8, एक्स पर यूनिट 5%, साइन फाइव 0.6। कैलकुलेट करिए, 1.6 प्लस 3, इट मीन्स व्हाट, 4.6%। वोल्टेज रेगुलेशन इज 4.6% विच इज पॉजिटिव, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन, राइट, फिफ्थ का आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप मींस वोल्टेज रेगुलेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फॉर अ ट्रांसफॉर्मर विथ परसेंटेज रेसिस्टेंस ऑफ 2.5%, परसेंटेज रेसिस्टेंस है, इट मींस यहां पर आर पर यूनिट की वैल्यू गिवन है कितनी, 2.5%, और लिखा हुआ है परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ 5%, इट मींस एक्स पर यूनिट की वैल्यू गिवन है कितनी, 5%। ऑफ रेटिंग 500 केवीए, यहां जो परसेंटेज में गिवन है आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट, वो किस रेटिंग के अकॉर्डिंग है, 500 केवीए के अकॉर्डिंग है, राइट, 500 केवीए के अकॉर्डिंग आर पर यूनिट है और एक्स पर यूनिट है। जब आप बेस केवीए जो अभी 500 है उसको जब आप चेंज कर दोगे तो आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट, क्योंकि आर पर यूनिट हो या फिर एक्स पर यूनिट हो, ये आता कहां से है, आर पर यूनिट मींस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय जेड बेस, राइट। और ये जो हमारा जेड बेस है ये क्या होता है, ये होता है वोल्टेज बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस, एस बेस मींस व्हाट, केवीए रेटिंग। जब आप केवीए रेटिंग को चेंज करोगे, एस बेस को जब आप चेंज कर दोगे तो जेड बेस चेंज हो जाएगा, और जब जेड बेस चेंज हो जाएगा तो आर पर यूनिट चेंज हो जाएगा, राइट, आर पर यूनिट चेंज हो जाएगा। तो जिस रेशियो से आर पर यूनिट चेंज होगा वो कौन सा रेशियो है, वो उसी रेशियो से चेंज होगा जिस रेशियो से आप केवीए को चेंज कर रहे हो, राइट। पहले 500 केवीए था, 500 केवीए पे आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट की वैल्यू गिवन है, अब 400 केवीए पे कितना होगा, यानी कि जब आपने केवीए को कम कर दिया है तो कम करने से क्या होगा, आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट की वैल्यू कम हो जाएंगी, राइट, ये कम हो जाएंगे ना, ओके। सो देखिए यहां पर जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, इसको तो आप दो तरीके से बना सकते हो, एक तो मैं ऐसे बता देता हूं आपको कि पहले आप आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो एट 400 केवीए,
तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए करोगे कि आर पर यूनिट जो न्यू वाला होगा ये हो जाएगा 2.5% इंटू 400 KVA डिवाइडेड बाय 500 KVA, राइट, दिस परसेंट, इतना परसेंट होगा आर पर नेट। और इसीलिए और इसी तरीके से जो हमारा एक्स पर नेट होगा वो भी कितना हो जाएगा, पहले था 5%, अब हो जाएगा क्या, 5 का 400 बाय 500, ये इतना परसेंट अब हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आप इसको चेंज कर लो, या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करोगे वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने का, वो क्या होगा, वो होगा एक्स, यहां पर एक्स मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारा फॉर्मूला था नॉर्मल आर पर यूनिट इंटू कॉस फाइव प्लस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाइव, ये जो हम यूज करते थे फुल लोड पर, उसको उसमें सिर्फ क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। जो एक्स की वैल्यू वो होगी जिस वैल्यू से आप केवीए को चेंज कर रहे हो, है ना, पहले था 5, अब आपने क्या किया 400 किया है, पहले था 500, अब आपने किया 400, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 400 डिवाइडेड बाय 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसमें, इस पूरे होल टर्म में, यानी कि आर पर यूनिट इंटू कॉस फाइव प्लस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाइव। सो आर पर यूनिट क्या है, अब यहाँ जो आर पर यूनिट लेंगे वो ओल्ड वाला वैल्यू लेंगे, यानी कि 2.5, तो दिस इज 2.5% इंटू कॉस फाइव, कॉस फाइव की वैल्यू है 0.8 प्लस एक्स पर यूनिट कितना है 5% इंटू साइन फाइव की वैल्यू हो जाएगी 0.6। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 4/5 इंटू 2.5 इंटू 8 2, और प्लस ये हो जाएगा 3, राइट, 2 + 3 ना, हाँ ठीक है, तो 2 + 3 हो जाएगा 5%, 4/5 इंटू 5 यानी कि 4%, वोल्टेज रेगुलेशन कितना आ गया 4%। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बना 4%, सो ए ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसको करिए। अ ट्रांसफॉर्मर हैज अ परसेंटेज रेसिस्टेंस ऑफ 2% एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ 4%, यहां पर आर पर यूनिट की वैल्यू गिवन है 2% और एक्स पर यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है 4% गिवन। इसने क्या कहा आगे, व्हाट आर इट्स रेगुलेशंस एट पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग एंड 0.8 लीडिंग, दोनों ही अलग अलग पावर फैक्टर पे, लीडिंग पर भी और लैगिंग पर भी हमें वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, राइट। सो इन केस ऑफ लैगिंग, लैगिंग पावर फैक्टर, जब आप लैगिंग पावर फैक्टर की बात करोगे तब वोल्टेज रेगुलेशन को आप लिखोगे आर पर यूनिट इंटू कॉस फाइव प्लस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाइव। आर पर यूनिट है 2% इंटू कॉस फाइव की वैल्यू है 0.8 लैगिंग प्लस एक्स पर यूनिट है 4% इंटू साइन फाइव हो जाएगा 0.6, ये कितना है 1.6 प्लस 2.4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4%, राइट। वोल्टेज रेगुलेशन आ गया 4% इन केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर लोड। अब यदि मैं लीडिंग पावर फैक्टर लोड की बात करूं, तो इन केस ऑफ लीडिंग पीएफ, लीडिंग पावर फैक्टर, इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा दिस इज इक्वल टू आर पर यूनिट इंटू कॉस फाइव माइनस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाइव। सिर्फ यहां पर क्या होगा, जो यहां पर हम प्लस यूज करते हैं इन केस ऑफ लैगिंग, लीडिंग के केस में यहां पर हम माइनस साइन यूज करेंगे, राइट। सो आर पर यूनिट इंटू कॉस फाइव, इसकी वैल्यू यहां से लिख लो क्योंकि पावर फैक्टर तो सेम है, तो वैल्यू हमारी सेम आएगी 1.6, उसके बाद माइनस साइन। अब एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाइव यहां पर है 2.4, तो ये भी हो जाएगा 2.4, 1.6 माइनस 2.4 ये हो जाएगा माइनस 0.8% राइट। सो
यहाँ पर है लैगिंग के केस में 4%, लीडिंग के केस में -0.8%, तो 4% एंड -0.8%, इट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रीड करिए इसको, रीड करके खुद से ट्राई करिए। ठीक है, अ ट्रांसफॉर्मर possesses a percentage resistance and percentage reactance of 1% and 4% respectively. यहाँ पर percentage resistance यानी कि R per unit की value given है 1% and X per unit की value कितनी given है 4%. It's a voltage regulation at पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग 0.8 लीडिंग, मतलब सेम तरीके का क्वेश्चन है। जो यहाँ पर पावर फैक्टर है कॉस फाई, इसकी वैल्यू है 0.8 लैगिंग एंड लीडिंग, तो लैगिंग और लीडिंग दोनों ही केस में हमें फाइंड आउट करना है। इन केस ऑफ लैगिंग लोड वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाई। आर पर यूनिट 1%, कॉस फाई 0.8 प्लस एक्स पर यूनिट 4%, साइन फाई 0.6, राइट। यहां पर ये हो जाएगा कितना, दिस इज 0.8 और ये हो जाएगा प्लस 2.4, तो क्या हो गया, दिस इज 3.2%, है ना, 3.2%। ओके, लैगिंग लोड के केस में 3.2% आया है। अब लीडिंग लोड के केस में देखते हैं कि कितना आएगा। इन केस ऑफ लीडिंग लोड वोल्टेज रेगुलेशन आर पर यूनिट कॉस फाइव माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाइव। आर पर यूनिट कॉस फाइव को हमने यहां से कैलकुलेट किया था 0.8, माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाइव को मैंने कैलकुलेट किया था 2.4। सो 0.8 माइनस 2.4 इट मीन्स माइनस 1.6%। सो आंसर क्या हो जाएगा, 3.2% एंड माइनस 1.6%, इट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को रीड करिए। इन अ ट्रांसफॉर्मर द वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीजेस एंड एफिशिएंसी डिक्रीजेस एज लोड पावर फैक्टर इंक्रीजेस। लोड का जो पावर फैक्टर है यदि वो इंक्रीज करे, तो पहले हमें देखना है कि वोल्टेज रेगुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके बाद हमें देखना एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, पावर फैक्टर को इंक्रीज करना है। देखो इसके लिए यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल केस वन में मैं ले लेता हूं, या फिर वेट, यहां पर मैं क्या करता हूं कि एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका आर पर यूनिट मैं ले लेता हूं 1% और एक्स पर यूनिट मैं ले लेता हूं 2%, राइट। जनरली जो आर पर यूनिट होता है वो लेस देन होता है एक्स पर यूनिट से, ठीक है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से वैल्यू को चूज किया है। आर पर यूनिट हमने एज्यूम किया 1% और एक्स पर यूनिट हमने एज्यूम किया 2%। अब देखो केस वन में मैंने क्या किया, जो पावर फैक्टर है उसको मैं ले रहा हूं 0.8, राइट। पावर फैक्टर मैंने लिया है 0.8, इट मीन्स दिस इज कॉस फाइव, कॉस फाइव की वैल्यू 0.8, सो साइन फाइव को क्या लिखोगे, साइन फाइव यहां पर हो जाएगा कितना 0.6, राइट, साइन फाइव 0.6। अब इस केस में हम वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करके देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा। इस केस में क्या हो जाएगा,
आर परनेट इंटू कॉस फाइव यानी कि 1% इंटू 0.8 इट मीन्स ये हो जाएगा 0.8% प्लस, यदि मैं लैगिंग लोड की बात करूं तो प्लस। उसके बाद एक्स परनेट इंटू साइन फाइव यानी कि 2 इंटू 0.6 यानी कि 1.2%, तो ये क्या हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो जाएगा 2%। वोल्टेज रेगुलेशन आया है 2%, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि जो लोड का पावर फैक्टर है उसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अभी मैंने केस वन में पावर फैक्टर रिज्यूम किया था 0.8, अब मैं उसको इंक्रीज करके यूनिटी कर देता हूं केस टू में। पावर फैक्टर इसको मैं ले लेता हूं यूनिटी। यूनिटी पावर फैक्टर मींस व्हाट? इट मींस कॉस फाइव की वैल्यू हो जाएगी 1 और साइन फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। कॉस फाइव की 1, साइन फाइव 0। अब देखो आर पर नेट को सेम लेना है, एक्स पर नेट को सेम लेना है, तो वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर लो। वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, आर पर नेट इंटू कॉस फाइव यानी कि 1% इंटू 1 यानी कि ये हो जाएगा 1% प्लस एक्स पर नेट इंटू साइन फाइव। एक्स पर नेट है 2%, साइन फाइव है 0, इट मीन्स 0। तो 1 प्लस 0 मीन्स व्हाट, दिस इज 1%। ओके, अब वोल्टेज रेगुलेशन कितना आया है 1%। केस वन में जब पावर फैक्टर कम था तो वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा था, और जब केस नंबर टू में हमने पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर दिया, इंक्रीज कर दिया पावर फैक्टर को, तब वोल्टेज रेगुलेशन कम आया है। यानी कि पावर फैक्टर को इंक्रीज करने से जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीजेस, दिस इज इनकरेक्ट। वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीजेस, इनकरेक्ट। वोल्टेज रेगुलेशन डिक्रीजेस, वोल्टेज रेगुलेशन डिक्रीजेस, यहां पर रेगुलेशन छूट गया है, वोल्टेज रेगुलेशन डिक्रीजेस। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, यानी कि ऑप्शन सी और डी में से कोई एक होगा। अब हम एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं कि एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ने वाला है लोड के पावर फैक्टर को, राइट। उसके लिए मैं एज्यूम करता हूं कि एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका रेटिंग यानी कि एस की वैल्यू है 100 KVA या फिर 100 KVA एज्यूम कर लेते हैं, 100 KVA, राइट। 100 KVA ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, और इस ट्रांसफार्मर में जो टोटल पावर लॉस है, पावर लॉस पी लॉस, टोटल पावर लॉस इसमें है 5 kW, इतना पावर लॉस है, राइट। अब आप केस वन में ले लो कि जो केस वन में जो पावर फैक्टर है, लोड का पावर फैक्टर, लोड पीएफ, इसको आप एज्यूम कर लो 0.8, और दूसरे केस में लोड के पावर फैक्टर को इंक्रीज करा के यूनिटी मान लो, और दोनों ही केस में एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो। तो लोड पावर फैक्टर 0.8 के केस में जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी होगी, एस इंटू कॉस फाइव, इट मींस 100 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.8 और प्लस हो जाएगा लॉसेस, और लॉस कितना है 5 kW, राइट। तो ये कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 85। इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 94.12%। दिस इज 94.12%, इतना है एफिशिएंसी। अब केस टू में मैं क्या करता हूं कि पावर फैक्टर को इंक्रीज करके यूनिटी कर देता हूं। लोड का जो पावर फैक्टर है दिस इज 1, यूनिटी पीएफ, यूनिटी पीएफ पे जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी होगी, 100 into 1 डिवाइडेड बाय 100 into 1 प्लस लॉसेस, और लॉस तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि पावर फैक्टर के साथ लॉस चेंज नहीं होता है। जब मैं लॉस वाला टॉपिक डिस्कस करूंगा तो वहां पर डिटेल में समझाएंगे, ठीक है, वहां पर हम बात करेंगे इसके बारे में। सो ये हो जाएगा कितना, 100 डिवाइडेड बाय 105, यदि मैं परसेंटेज में लिखूं तो कितना होगा, 95.24%। यहां से आपने क्या देखा है, पहले एफिशिएंसी था 94%, अब एफिशिएंसी है 95%, यानी कि एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, राइट। एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन डिक्रीज हुआ है, ओके।
The voltage regulation decreases and efficiency increases as load power factor increases. Option D. Right? चलिए next question देखते हैं. Question number 10. In a transformer, zero voltage regulation at full load is what? क्या ये possible है या फिर possible नहीं है? और अगर possible है तो किस तरह के load पर possible है? इसने क्या कहा? जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड, राइट? तो मैं यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन का एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी. दिस इज वोल्टेज रेगुलेशन वर्सेस लोड पीएफ, लोड का जो पावर फैक्टर होगा उसके बीच का ग्राफ है. वोल्टेज रेगुलेशन कुछ ऐसा होगा, इसका ग्राफ वेट 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 वोल्टेज रेगुलेशन. ऐसा हो, ये इस साइड जो लोड है, इस साइड ये है लैगिंग लोड, और इस साइड जो लोड है ये है लीडिंग लोड. अब यहां पर देख लो, रेड इंक से जो मैंने ग्राफ को ड्रॉ किया है वो है वोल्टेज रेगुलेशन का. वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कहां पर हुआ है? तो आप देखोगे कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो जीरो आपको यहां पर मिला है. ये जो पॉइंट है यहां पर, ये है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन. दिस इज जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, राइट? यहां पर मिला है. अब ये जो पॉइंट है ये कहां लाई कर रहा है? लैगिंग पीएफ में, लीडिंग पीएफ में, या फिर यूनिटी पावर फैक्टर पे? यहां पर ये जो पॉइंट होगा ना, ये सेंटर वाला, ये है यूनिटी पावर फैक्टर. दिस इज यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर है, राइट? यहां कहीं होगा जीरो पावर फैक्टर, जीरो पीएफ, और इधर लैगिंग है तो जीरो पीएफ लैगिंग, और यहां कहीं होगा जीरो पीएफ, जेड पीएफ, जीरो पावर फैक्टर, व्हाट? लीडिंग. तो अब आप देख के बताओ कि यहां पर जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो किस पावर फैक्टर पे जीरो वोल्टेज यहां पर पॉसिबल है? ऑप्शन ए है नॉट पॉसिबल, इनकरेक्ट. ऑप्शन बी है पॉसिबल एट यूनिटी पावर फैक्टर लोड, यूनिटी पावर फैक्टर लोड पे जीरो वोल्टेज नहीं है. ऑप्शन सी में है पॉसिबल एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड. सो यहां पर जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है, ये जो एरिया है ये किस में आता है? लीडिंग पावर फैक्टर में. सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. अ पावर सप्लाई हैविंग आउटपुट रेसिस्टेंस 1.5 ओम. एक पावर सप्लाई है जिसका रेसिस्टेंस है, यहां आउटपुट नहीं होना चाहिए, यहां पर इसको आप चेंज कर लो. अ पावर सप्लाई हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंस, यहां पर टाइप करने में एयर हुआ है, इंटरनल रेसिस्टेंस 1.5 ओम सप्लाइज अ फुल लोड करंट ऑफ 500 मिली एम्पीयर टू अ 50 ओम लोड. एक पावर सप्लाई है, देखो एक पावर सप्लाई है, यहां पर मैं ले लेता हूं, दिस इज अ वी वोल्ट पावर सप्लाई जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस गिवन है कितना? 1.5 ओम. दिस इज 1.5 ओम, ये है पावर सप्लाई. अब इस पावर सप्लाई के साथ एक लोड को कनेक्ट किया जाता है, इसके साथ एक लोड को कनेक्ट करते हैं, और वो जो लोड है ये,
लोड का वैल्यू कितना है, लोड रेसिस्टेंस गिवन है यहाँ पर 50 ओम, 50 ओम का एक लोड हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और ये हमारा फुल लोड है और इसमें जो करंट फ्लो करता है वो कितना है, 500 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा ये करंट है 500 मिली एम्पियर, राइट। तो इस वोल्टेज वी की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट कर लो, वी क्या हो जाएगा, करंट इंटू टोटल रेसिस्टेंस। करंट की वैल्यू है 500 मिली एम्पियर, यानी कि 500 इंटू 10 टू दी पावर 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल रेसिस्टेंस से। रेसिस्टेंस यहां पर कितना है, 50 ओम और 1.5, यानी कि 51.5। कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आप लिख सकते हो क्या, 0.5 इसको, अब 51.5, सो 51.5 इंटू 0.5 25.75, दिस इज 25.75 वोल्ट। ये है वी की वैल्यू, यहां जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वोल्टेज की वैल्यू है 25.75 वोल्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा, डिटरमिन द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द सप्लाई, वोल्टेज रेगुलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां जो वोल्टेज है वी, अब जब आपने लोड को कनेक्ट किया है, जो फुल लोड है 50 ओम का, जब आपने फुल लोड को कनेक्ट किया है तब इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, यहाँ पर ये वोल्टेज कितना है, मैं इसको बोल देता हूँ वी आर, रिसीविंग एंड टर्मिनल का वोल्टेज, या फिर वी एल लिख लो, लोड वोल्टेज, राइट, दिस इज वी एल। तो वी एल को आप फाइंड आउट कर लो कितना होगा, जब लोड कनेक्टेड है तब, लोड जब कनेक्टेड है तो 500 मिली एम्पीयर का करंट फ्लो करता है 50 ओम के रेसिस्टेंस में, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, 50 इंटू 500 मिली एम्पीयर, यानी कि जो वी एल है एट लोड, एट फुल लोड इज इक्वल टू 500 मिली एम्पीयर, इट मीन्स 0.5 एम्पीयर इंटू 50 ओम, इट मीन्स दिस इज 25 वोल्ट। फुल लोड पर इस टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो है 25 वोल्ट। अब नो लोड पर कितना होगा, नो लोड मीन्स जब आप इस लोड को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दोगे, तो जैसे ही आप वहाँ से लोड को डिस्कनेक्ट करोगे तो वहाँ पर करंट, उस लूप में करंट फ्लो करेगा 0, यानी कि कोई भी करंट नहीं होगा। और जब कोई भी करंट नहीं होगा तो यहाँ जो 1.5 ओम का रेसिस्टेंस है इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इट मीन्स जो वोल्टेज यहाँ पर है, जो वी वोल्टेज है, यही वोल्टेज आपको टर्मिनल पे नजर आएगा, राइट। सो वी एल एट नो लोड ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो वी वोल्ट है वही आएगा, वी वोल्ट हमने फाइंड आउट किया था 25.75, तो ये हो जाएगा 25.75 वोल्ट। ओके, सो वोल्टेज रेगुलेशन, नो लोड वोल्टेज 25.75 माइनस फुल लोड वोल्टेज 25 डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज 25, कितना हो गया, 0.75 डिवाइडेड बाय 25। यदि आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज में हो जाएगा, 0.75 इंटू 4 हो गया है ना, 100 बाय 25 इट मीन्स 4, तो 0.75 इंटू 4 इट मीन्स ये हो जाएगा 3%, राइट। 3% मीन्स ऑप्शन बी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर इज 0, वोल्टेज रेगुलेशन इज व्हाट, 0, व्हेन पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज व्हाट। वोल्टेज रेगुलेशन 0 किस पावर फैक्टर पे होगा, यहां पर मैंने अभी देखा था प्रीवियस किसी क्वेश्चन में, यहां पर देखो वोल्टेज रेगुलेशन 0 यहां पर, ये कहां हुआ है, इस रीजन में यहां पर, राइट, लीडिंग में, लीडिंग रीजन में वोल्टेज रेगुलेशन 0 हुआ है, यहां पर देख लो, जब लीडिंग में 0 हुआ है तो ऑप्शंस को रीड कर लो। ऑप्शन ए में गिवन है बिटवीन यूनिटी एंड 0 लीडिंग, यही हुआ है ना, वोल्टेज रेगुलेशन 0 यहां पर हुआ है, यहां पर 0 वोल्टेज रेगुलेशन इस पॉइंट पर। अब ये जो पॉइंट है ये है यूनिटी पावर फैक्टर, अब यहां जो पॉइंट होगा ये होगा 0 पावर फैक्टर लीडिंग, राइट, और यहां जो पॉइंट होगा ये होगा 0 पावर फैक्टर लैगिंग,
राइट लागे। तो देख लो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ लाई करता है, बिटवीन यूनिटी पावर फैक्टर एंड जीरो लीडिंग, बिटवीन यूनिटी पावर फैक्टर एंड जीरो लैगिंग, जीरो लैगिंग यानी कि इस रीजन में नहीं, इस रीजन में लाई नहीं करता है। व्हेन पावर फैक्टर ऑफ लोड इज जीरो लैगिंग, जीरो लैगिंग मीन्स यहाँ पर नहीं होगा, यूनिटी पावर फैक्टर नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 रीड करिए इसको। अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज अ टर्न्स रेशियो ऑफ 1:2 एंड इज कनेक्टेड टू अ प्योरली रेसिस्टिव लोड। यहां पर जो लोड कनेक्टेड है वो है प्योरली रेसिस्टिव, आर लोड है ना, प्योरली रेसिस्टिव लोड है एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन इज 1 एम्पियर एंड द सेकेंडरी करंट इज 1 एम्पियर। यहां जो सेकेंडरी करंट गिवन है दिस इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर जो करंट है, मैग्नीट्यूड है करंट का 1 एम्पियर, लेकिन इसका एंगल गिवन नहीं है। अब एंगल आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसने लिख रखा है कि जो लोड है वो क्या है, प्योरली रेसिस्टिव लोड। यहाँ पर जब लोड है प्योरली रेसिस्टिव, तो यहाँ पर ये जो करंट है, दिस करंट इज I2, I2 को आप क्या लिखोगे, I2 को आप लिखोगे 1 एम्पियर एट एन एंगल ऑफ वॉट, 0 डिग्री, क्योंकि प्योरली रेसिस्टिव लोड में ये करंट फ्लो कर रहा है राइट। अब देखो, इफ कोर लॉसेस एंड लीकेज रिएक्टेंसेस आर नेग्लेक्टेड, जो कोर लॉस है और लीकेज रिएक्टेंस है उसको नेग्लेक्ट करना है, द प्राइमरी करंट इज व्हाट। यहां पर जो प्राइमरी करंट होगा, सपोज दिस करंट इज I1, I1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि I1 की वैल्यू कितनी होगी। ओके, I2 आपको पता है, तो जो हमारा सेकेंडरी साइड का करंट है उसको हम रेफर करेंगे प्राइमरी साइड। सो हम इसको क्या लिख लेंगे, I2 डैश प्राइमरी करंट, सॉरी सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी साइड, ये हो जाएगा I2 डैश। I2 डैश की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर टर्न्स रेशियो देख लो 1:2 है, तो जब 1:2 इसका टर्न्स रेशियो है और सेकेंडरी साइड का करंट है 1 एम्पियर, तो प्राइमरी साइड का करंट हो जाएगा 2 एम्पियर राइट। तो ये हो जाएगा 2 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ओके, ये है I2 डैश। अब इसने ये भी कहा है कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन है वो है 1 एम्पियर। मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में आपसे बोला है, यानी कि IM की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 1 एम्पियर। और ध्यान देना, इसका एंगल भी लिखना है आपको, सिर्फ 1 मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन इज 1 एम्पियर, इट मींस दिस इज 1 एट एन एंगल ऑफ व्हाट। जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, आपको पता होना चाहिए कि वो जो करंट होगा वो 90 डिग्री लैगिंग करंट होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी कि 1 के साथ आप एंगल लिखोगे माइनस ऑफ 90 डिग्री राइट, 1 एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री, ये हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग करंट। अब देखो, अभी भी हमारा जो नो लोड करंट है वो नहीं मिला है। नो लोड करंट क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट और प्लस कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तब हमें मिलता है नो लोड करंट। यहां पर मैग्नेटाइजिंग करंट तो हमें मिल चुका है 1 एट एन एंगल ऑफ माइनस 90, लेकिन अभी कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट नहीं मिला है। अब उसके लिए इसने एक क्ल्यू दिया है, वो क्या है कि इसने कहा है कि इफ कोर लॉसेस आर नेग्लेक्टेड, जब ट्रांसफॉर्मर के कोर लॉस को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, इट मींस जो कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट होगा IC, इसको आपने कह दिया है 0 एम्पियर राइट। तो आपके पास IM है, आपके पास IC है, दोनों को जब आप ऐड करोगे तब आप यहां से लिखोगे नो लोड करंट I0। I0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट प्लस कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। सो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 1 एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री, क्योंकि दूसरा करंट तो 0 है ठीक है। अब यहां से I0 की वैल्यू आपको पता चली है कि 1 एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री है राइट। अब प्राइमरी करंट को कैसे फाइंड आउट करोगे, जो प्राइमरी करंट होगा I1, दिस इज इक्वल टू होता है सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी साइड, यानी कि I2 डैश प्लस नो लोड करंट I0।
दोनों को ऐड करिए, ये है 2 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री और ये है 1 एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री, राइट। दो वेक्टर है, एक का एंगल है 0, दूसरे का एंगल है माइनस 90, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो है माइनस 90 डिग्री। तो जब दोनों के बीच का एंगल माइनस 90 डिग्री है और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे? आई वन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट मीन्स वॉट? रूट ओवर 5, राइट। रूट ओवर 5 हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, और एंगल कितना हो जाएगा? एंगल हो जाएगा, एंगल हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ओके, टेन इनवर्स 1/2 हो जाएगा इसका एंगल नेगेटिव साइन के साथ, ओके। सो इसका जो एंगल हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स 1/2, ओके। या तो कैलकुलेटर में डाल के इसको फाइंड आउट कर लो। तो इसने जो कहा है कि जो प्राइमरी करंट है वो कितना है, प्राइमरी करंट आपको फिल करने के लिए दिया है कि कितना एम्पियर होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2.236 एम्पियर, ये हो जाएगा प्राइमरी करंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द लोड शोन इन द फिगर एब्जॉर्ब्स 4 kW एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग। 4 kW का पावर ये एब्जॉर्ब करता है लोड, जो यहाँ पर लोड गिवन है, वो जो लोड है वो 4 kW का पावर एब्जॉर्ब करता है और पावर फैक्टर कितना है? 0.8 लैगिंग, राइट। ये है लोड, यही एब्जॉर्ब करता है 4 kW का पावर और पावर फैक्टर कितना है? 0.89 लैगिंग, ओके। यहां से हम इस करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो करंट है, इस करंट को मैंने बोला है I2, तो I2 को आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। I2 को कैसे फाइंड आउट करोगे? सेकेंडरी साइड का जो पावर है P2, इसको आप लिखोगे सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इनटू सेकेंडरी साइड का करंट इनटू कॉस ऑफ 5, राइट। सेकेंडरी साइड का करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी साइड का पावर डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर कॉस 5। सेकेंडरी साइड का पावर कितना है? 4 kW, यानी कि 4000 वॉट, डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना है? 110 वोल्ट, तो दिस इज 110 इनटू पावर फैक्टर कितना है? 0.89। करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो करंट का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा 40.858 एम्पियर। इतने एम्पियर का करंट I2 फ्लो करेगा, राइट। अब यहां पर टर्न्स रेशियो देख लो, यहां जो टर्न्स रेशियो गिवन है वो है 2:1, तो जब 2:1 है तो हायर वोल्टेज साइड जो करंट फ्लो करेगा I2 के रिस्पेक्टिव में, यानी कि I2 को जब मैं हाई वोल्टेज साइड रेफर करूंगा, यानी कि I2' को फाइंड आउट करूंगा, तो क्या होगा? ये हाफ हो जाएगा, राइट। I2 क्या हो जाएगा? जो I2 करंट है उसका डिवाइडेड बाय 2, तो 40.858 डिवाइडेड बाय 2, दिस डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हो जाएगा 20.43, दिस इज 20.43 एम्पियर। बट इसके साथ आपको एंगल भी लगाना है, राइट। एंगल कौन सा होगा? इस करंट का एंगल कैसा होगा? जो लोड, देखो लोड है हमारा लैगिंग लोड, लैगिंग लोड के केस में एंगल होता है नेगेटिव, और एंगल जो होगा ये होगा कॉस इनवर्स 0.89। सो कॉस इनवर्स 0.89 ये हो जाएगा 27.13 डिग्री। ये है करंट I2', राइट। यानी कि यहाँ पर यहाँ जो करंट आया है, दिस करंट इज व्हाट? दिस करंट इज I2'। I2' हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब ये जो I2' है, मैं चाहता हूँ इसको कि इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के रूप में लिख लो, राइट। तो कितना होगा? 20.43 एंगल माइनस 27.13, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट में यदि मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 18.182 और माइनस जे 9.3
16, ये इतना करंट है आई टू डैश, 10 एम्पियर, राइट, इतना करंट है आई टू डैश। अब आप आगे क्वेश्चंस को रीड करो। इसने क्या कहा है, एज्यूमिंग द ट्रांसफॉर्मर टू बी आइडियल, द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस एक्स, यहां जो रिएक्टेंस एक्स गिवन है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, टू इंप्रूव द इनपुट पावर फैक्टर टू यूनिटी। इनपुट पावर फैक्टर यूनिटी होने का क्या मतलब है कि यहाँ सोर्स से जो करंट आएगा, सपोज दिस करंट इज आई वन, सो आई वन का एंगल होना चाहिए 0 डिग्री। इसने यही कहा है, राइट। इनपुट पावर फैक्टर यूनिटी मीन्स जो आई वन करंट है उसका एंगल होना चाहिए 0 डिग्री। अब अभी जो आई टू है, आई टू डैश है, आई टू डैश का एंगल कितना है, -27.13। अब इस -27.13 को 0 डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें कैपेसिटिव करंट को ऐड करना होगा, यानी कि लीडिंग करंट को ऐड करना होगा, राइट। लीडिंग करंट आपको ऐड करना होगा। लीडिंग करंट को ऐड करने के लिए जो एलिमेंट एक्स यूज होगा वो क्या होगा, वो होगा कैपेसिटर, राइट। जो एक्स एलिमेंट है वो क्या होगा, वो हमारा कैपेसिटर होगा, राइट। सो यहां पर देखो, पहले तो यहां का वोल्टेज देख लो, इस साइड वोल्टेज है 110, तो इस साइड वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 220, राइट। 220 वोल्ट है इस साइड का वोल्टेज, यानी कि जो हमारा एक्स एलिमेंट है इसके अक्रॉस का वोल्टेज है 220। अब इसमें जो करंट फ्लो करता है, सपोज दिस करंट इज आई एक्स, तो मैं आई एक्स को फाइंड आउट करूंगा कि आई एक्स करंट कितना होगा। आई एक्स करंट को मैं लिखूंगा कि एक्स एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज है 220 डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये जो आई एक्स करंट होगा ये कैसा करंट होना चाहिए, ये होना चाहिए लीडिंग करंट, तभी तो यहां जो एंगल नेगेटिव है इसको 0 बनाना है, यूनिटी पावर फैक्टर बनाना है, तो क्या करना होगा, इसमें लीडिंग करंट ऐड करना होगा। और ये जो एक्स एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए, कैपेसिटर होना चाहिए, और जब एक्स एलिमेंट हमारा कैपेसिटर होगा तो उसका एंगल क्या होगा, जो करंट है कैपेसिटिव करंट का एंगल कितना हो जाएगा, +90 डिग्री, राइट। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि जे 220 डिवाइडेड बाय एक्स है ना, 220 डिवाइडेड बाय एक्स, एंगल 90 डिग्री, इट मीन्स जे 220 डिवाइडेड बाय एक्स, दिस करंट इज वॉट, दिस करंट इज आई एक्स। तो अब आप आई वन करंट को फाइंड आउट करो कि ये जो आई वन करंट होगा वो क्या होगा, आई वन करंट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई टू डैश, राइट। तो मैं यहां से लिखूंगा कि आई वन करंट इज इक्वल टू आई एक्स करंट प्लस आई टू डैश करंट, राइट, ये होगा। और जो आई वन करंट है उसका एंगल है 0 डिग्री, क्योंकि उसका पावर फैक्टर है यूनिटी, तो इट मींस जो हमारा आई वन करंट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट अवेलेबल होंगे, इमेजिनरी पार्ट उसमें नहीं होगा, राइट। यहां पर जो हमें मिला है आई वन इज इक्वल टू आई एक्स प्लस दिस, आई एक्स की वैल्यू है जे 220 डिवाइडेड बाय एक्स, और प्लस आई टू डैश कितना है, 18.182 -J9.316, ये है। यानी कि यदि मैं आई वन को लिखूं अरेंज करके तो ये हो जाएगा 18.182, और ये क्या हो जाएगा, और हो जाएगा प्लस जे 220 डिवाइडेड बाय एक्स -9.316, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं, दिस करंट इज आई वन। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो पावर फैक्टर है इनपुट साइड का वो होना चाहिए यूनिटी। यूनिटी मीन्स व्हाट, जो आई वन करंट है उसका एंगल होगा 0, और जब आई वन करंट का एंगल 0 होगा तो उस आई वन को जब मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखूंगा तो सिर्फ रियल पार्ट अवेलेबल होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा 0। यानी कि ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हमें क्या करना होगा, 0, राइट। यूनिटी पावर फैक्टर के लिए दिस पोर्शन मस्ट बी 0, इसको हमें 0 इक्वेट करना है। तो क्या करोगे आप, 220 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 9.316 इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो 220 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 9.316, सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 9.316,
कैलकुलेट कर लीजिए, 9.316, 23.615, 23.615 ओम। सो जो एक्स रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू इसने फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया 23.615 ओम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अ सिंगल फेज 100 केवीए 1000 वोल्ट बाय 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 5%। फिर से यहां पर लिखा हुआ है वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 5% अक्रॉस इट्स सीरीज इंपेडेंस। इस वर्ड पे ध्यान देना, दिस इज इंपेडेंस। जो सीरीज इंपेडेंस है उसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है 5%। इट मींस ये इनडायरेक्ट रूप से आपको जेड पर यूनिट की वैल्यू गिवन है 5%। जेड पर यूनिट है 5%, राइट, एट फुल लोड। ऑफ दिस 3% इज ड्यू टू द रेसिस्टेंस। ये जो 5% का वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसमें से 3% रेसिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है। इट मींस इनडायरेक्ट रूप से इसने आपको आर पर यूनिट की वैल्यू दिया है व्हिच इज 3%, राइट। सो एक्स पर यूनिट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्स पर यूनिट हो जाएगा रूट ओवर ऑफ जेड पर यूनिट का होल स्क्वायर माइनस आर पर यूनिट का होल स्क्वायर, राइट। सो रूट ओवर ऑफ ये हो जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इट मींस रूट ओवर 16 यानी कि 4%, राइट। एक्स पर यूनिट की वैल्यू आ गई 4%। अब आपको फाइंड आउट करना है वोल्टेज रेगुलेशन। इसने क्या कहा, परसेंटेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर एट फुल लोड 0.8 पीएफ लैगिंग इज व्हाट। नाउ वोल्टेज रेगुलेशन इज इजी। नाउ दिस इज आर पर यूनिट कॉस 5, लैगिंग है इसलिए प्लस एक्स पर यूनिट साइन 5। आर पर यूनिट है 3%, पावर फैक्टर 0.8, एक्स पर यूनिट है 4%, साइन 5 0.6। कैलकुलेट करिए, 2.4 प्लस 2.4 इट मींस 4.8%। कितना आएगा वोल्टेज रेगुलेशन, 4.8%, यानी कि ऑप्शन ए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड इज व्हाट। सबसे घटिया पावर फैक्टर, सबसे घटिया वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, किस पावर फैक्टर पे होगा, ये आपसे पूछा है। वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन, पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, एट यूनिटी पावर फैक्टर पे होगा क्या, नहीं, एट लैगिंग और लीडिंग। लैगिंग और लीडिंग के केस में देखते हैं कि क्या होगा। सो जो वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन मींस व्हाट, वोल्टेज रेगुलेशन की जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, है ना। पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन मींस व्हाट, वोल्टेज रेगुलेशन की जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, मोर, राइट। लेकिन इन केस ऑफ लीडिंग लोड, अगर आप लीडिंग लोड की बात करते हो तो क्या होगा, लीडिंग लोड में जो आप वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करते हो वो कैसे फाइंड आउट करते हो, आर पर यूनिट कॉस 5 माइनस एक्स पर यूनिट साइन 5। एक तो ये है, राइट। अब यहां पर देखो, यहां पर लीडिंग लोड के केस में यहां पर आप माइनस साइन यूज करते हो, माइनस साइन यूज करते हो। यदि मैं प्रीवियस क्वेश्चन को ले लूं एग्जांपल के तौर पे, तो प्रीवियस क्वेश्चन में देखो क्या है, यहां पर दिस इज 2.4 और दिस इज 2.4। चलो इसका तो सेम ही है, मैं दूसरा ले लेता हूं, दूसरे किसी क्वेश्चन का ले लेता हूं एग्जांपल, पावर फैक्टर, सॉरी वोल्टेज रेगुलेशन। यहां देखो दिस इज 0.8 और दिस इज 2.4, है ना। आर पर यूनिट कॉस 5 है 0.8 और एक्स पर यूनिट साइन 5 है 2.4। इसको मैं ले लेता हूं, जीरो पॉइंट एट और 2.4, राइट।
अगर लीडिंग लोड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अगर लैगिंग लोड होगा तो ये हो जाएगा प्लस, राइट। सो दोनों में से कम कौन सा होगा, लेस वैल्यू किसकी होगी, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 1.6%। दिस इज व्हाट, दिस इज लीडिंग लोड। और अगर आप लैगिंग के केस में करते हो, सेम पावर फैक्टर, सेम आर पर नेट, सेम एक्स पर नेट, तो ये हो जाएगा 0.8 + 2.4, इट मीन्स व्हाट, दिस इज 3.2%। अब देखो वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, यहां है 3.2 और यहां पर है 1.6। प्लस माइनस मत देखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, यहां पर है 1.6, यहां पर है 3.2। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन किसका है, लैगिंग का है, लीडिंग का कम है। यानी कि जो लीडिंग का वोल्टेज रेगुलेशन है वो वर्स्ट नहीं हो सकता, वो पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन नहीं हो सकता, उसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा माना जाता है, राइट। लैगिंग के केस में वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो होगा पुअरेस्ट, यानी कि लैगिंग के केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू है वो होगी ज्यादा, राइट। तो लैगिंग का केस यहां पर है 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फॉर अ नॉन आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। द पावर फैक्टर ऑब्जर्व्ड ऑन द प्राइमरी साइड लीड्स, ऑन द सेकेंडरी साइड लैग्स। फॉर एनी लोड कनेक्टेड टू द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड, अगर सेकेंडरी साइड का पावर फैक्टर लैगिंग है तो प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर लीडिंग हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी साइड का करंट है I2, ये लैगिंग होगा क्योंकि आपने सेकेंडरी साइड में लैगिंग लोड लगाया है। तो जब आप लैगिंग लोड लगाओगे तो इसका जो एंगल होगा, I2 का मैग्नीट्यूड ले लो और इसका कुछ एंगल होगा जो कि नेगेटिव में होगा, -5, राइट। अब इस करंट में I2 में, या फिर मैं इसको I2 बोल देता हूँ, रेफर किया हुआ करंट है प्राइमरी साइड का, I2 है। अब जो I0 करंट होगा ये ऑलरेडी लैगिंग करंट होता है, तो ये I0 का मैग्नीट्यूड और इसका भी एंगल हो जाएगा माइनस, आप इसका एंगल लिख लो सपोज नियर अबाउट 70 डिग्री, राइट। ये क्योंकि जो I0 करंट होता है वो हाईली लैगिंग होता है, ठीक है। अब जब आप इन दोनों करंट को ऐड करोगे तभी आपको प्राइमरी साइड का करंट मिलेगा, और ये जो करंट होगा ये ज्यादा लैगिंग होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी साइड करंट, राइट। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसने लिखा है कि पावर फैक्टर ऑन प्राइमरी साइड लीड्स और सेकेंडरी साइड का लैग, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी को देख लो, पावर फैक्टर ऑब्जर्व ऑन द प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आर ऑलवेज सेम, सेम भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेम? क्योंकि बीच में एक I0 का कंपोनेंट आ जाता है। अब I0 को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही लिखा है नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो जो नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर है उसमें I0 तो होगा, और I0 होगा तो I0 हमारा लैगिंग होगा, राइट। तो जब लैगिंग करंट उसमें I0 हो गया तो फिर जो प्राइमरी साइड का करंट है और जो सेकेंडरी साइड का करंट है दोनों के एंगल सेम नहीं हो सकते। ऑप्शन सी, पावर फैक्टर ऑब्जर्व ऑन प्राइमरी साइड लैग्स एंड ऑन सेकेंडरी साइड लैग्स फॉर एनी लोड कनेक्टेड टू द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी साइड। अब इसने ये कहा है कि फॉर एनी लोड कनेक्टेड टू द, वेट ऑब्जर्व ऑन द, हाँ, इसने जो कहा है कि प्राइमरी साइड का जो पावर फैक्टर है वो लैग है और फिर सेकेंडरी साइड का पावर फैक्टर है वो भी लैग है, एनी लोड कनेक्टेड टू द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी साइड, ये भी इनकरेक्ट है। क्योंकि अब आप सेकेंडरी में अगर लीडिंग लोड लगा दो, तो जब आप लीडिंग लोड लगाओगे तो उस साइड का जो पावर फैक्टर होगा वो तो लीडिंग होगा सेकेंडरी साइड का, लैगिंग तो नहीं होगा। लेकिन इसने ये भी लिखा है कि सेकेंडरी साइड का पावर फैक्टर लैग करेगा फॉर एनी लोड कनेक्टेड इन द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट। डी ऑप्शन को देखो, पावर फैक्टर ऑब्जर्व ऑन द प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स ऑन द लोड कनेक्टेड टू द ट्रांसफॉर्मर, यही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन डी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एसर्शन रीजन। इन अ गुड पावर सप्लाई द परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी क्लोज टू जीरो। वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी क्लोज टू जीरो स्टेटमेंट सही है, यानी कि जो एसर्शन है वो सही है। रीजन क्या है? 0% रेगुलेशन मीन्स देर विल बी नो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इफ लोड रेसिस्टेंस वेरीज बिटवीन 0 to infinity। लोड रेसिस्टेंस को आप जीरो रखो या फिर इनफाइनाइट रखो, उसके बीच में आप चेंज करते रहो तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये मीनिंग है 0 वोल्टेज रेगुलेशन का, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट भी सही है, राइट? यानी कि रीजन भी सही है। अब क्या एसर्सन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन का? मतलब जो रीजन है क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्सन का? तो बिल्कुल है ना। जो 0 वोल्टेज रेगुलेशन है इट मींस व्हाट? जो आप आउटपुट में लोड को चेंज करते हो, आउटपुट में लोड को चेंज करने से वोल्टेज चेंज नहीं होता है, ये कहलाता है 0 वोल्टेज रेगुलेशन। और इसी की वजह से कि आउटपुट में हम कुछ भी चेंज करें तो वहाँ का वोल्टेज चेंज ना हो, टर्मिनल का वोल्टेज चेंज ना हो, इसीलिए जो हमारा गुड पावर सप्लाई होता है वो क्या होता है, उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, 0 होता है। रीजन क्या है? रीजन यही है, वोल्टेज रेगुलेशन ही है कि हम लोड को हम चेंज करें उसके बावजूद भी उसका जो टर्मिनल है टर्मिनल के वोल्टेज में ज़्यादा ज़्यादा फर्क ना हो। तो इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ऑप्शन ए, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज एन इंडक्टिव लोड एलिमेंट एट पोर्ट 2 एज शोन इन द फिगर बिलो। पोर्ट 2 पर इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड एलिमेंट। द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस एट पोर्ट 1 इज व्हाट? पोर्ट 1 में आपको ये यहाँ जो इंडक्टेंस के बने इसको रेफर करके लेके जाना है, राइट? टर्न्स रेशियो क्या है? एन इज टू वन, तो एन इज टू वन है। सेकेंडरी साइड का इंडक्टेंस है एल, तो प्राइमरी साइड का क्या होगा? इंडक्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। जब आप प्राइमरी साइड रेफर करोगे इस इंडक्टेंस को तो क्या होगा? टर्न्स रेशियो स्क्वायर टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस साइड टर्न्स रेशियो कितने हैं? एन इज टू वन, यहां पर एन इज टू वन है। सेकेंडरी साइड में यदि वन टर्न है तो प्राइमरी साइड में एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो प्राइमरी साइड में जो इंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ एल, राइट? इंडक्टेंस इनटू टर्न्स रेशियो स्क्वायर, ठीक है? तो एन स्क्वायर इनटू एल हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? एन स्क्वायर एल, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इफ ट्रांसफॉर्मर हैज लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग लोड पावर फैक्टर, देन इट हैज डैश वोल्टेज रेगुलेशन। लीडिंग लोड पावर फैक्टर, इस ग्राफ को याद करो, लीडिंग लोड पावर फैक्टर। इस साइड है लीडिंग, लीडिंग लोड पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? यहां देखो, यहां पर जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या है? वो तो पॉजिटिव है, वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव है। यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? 0 है, राइट? यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? नेगेटिव है। यानी कि जब मैं लीडिंग लोड की बात करूंगा तो लीडिंग लोड मीन्स वॉट? ये तीनों ही तरह के वोल्टेज रेगुलेशन इसमें पॉसिबल होंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा, है ना? मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन फिर ये लैगिंग के केस में चला जाएगा, लैगिंग लोड में। लीडिंग लोड में मैक्सिमम नहीं होगा, राइट? हाँ, लीडिंग में मिनिमम होगा, है ना? यहां पर देख लो, दिस इज द मिनिमम, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन,
तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसने पॉजिटिव भी लिखा है, जीरो भी लिखा है और नेगेटिव भी लिखा है, तो इट मीन्स ये तीनों ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, सिर्फ यहां पर नेगेटिव मार्क मत करना कि लीडिंग लोड है तो नेगेटिव, लैगिंग लोड है तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता। लैगिंग लोड है तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव करेक्ट है, लेकिन लीडिंग लोड है तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अ टू वाइंडिंग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज अ वोल्टेज रेगुलेशन 4.5% एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर। वोल्टेज रेगुलेशन गिवन है फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर पे। यूनिटी पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाई की वैल्यू 1, इट मींस साइन फाई की वैल्यू कितनी है? 0। कॉस फाई 1, सो साइन फाई की वैल्यू 0। इस पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन गिवन है 4.5%। वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू आर पर यूनिट कॉस फाई, एक्स पर यूनिट साइन फाई। वोल्टेज रेगुलेशन गिवन है 4.5% इज इक्वल टू पावर फैक्टर कॉस फाई है 1 और यहां पर साइन फाई है 0। तो जब साइन फाई 0 है तो ये जो होल टर्म होगा एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाई, ये हो जाएगा 0। अब कॉस फाई 1 है तो यहां पर आर पर यूनिट इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट? 4.5%। इट मीन्स वॉट अबाउट द आर पर यूनिट? आर पर यूनिट इज इक्वल टू 4.5%। यहां से आर पर यूनिट की वैल्यू आई है 4.5%। अब एक्स पर यूनिट यहां पर गिवन नहीं है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर जो एक्स पर यूनिट होता है इज मोर देन आर पर यूनिट। आर पर यूनिट से तो वो ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा या उसके इक्वल भी नहीं होगा। ठीक है, एक्स पर यूनिट इससे ज्यादा होगा। तो आप यहां पर एज्यूम कर लो कि जब आर पर यूनिट की वैल्यू है 4.5%, तो एक्स पर यूनिट यहां पर एज्यूम कर लो 5%, है ना, जस्ट ग्रेटर देन आर पर यूनिट। ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लो। अब क्वेश्चन को रीड करो। इसने कहा एट फुल लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग लोड द वोल्टेज रेगुलेशन विल बी व्हाट? 0.8 PF लैगिंग पे वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा? सो वोल्टेज रेगुलेशन आर पर यूनिट कॉस फाइव लैगिंग है तो प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाइव। पावर फैक्टर कितना है? 0.8 इंटू आर पर यूनिट कितना है? 4.5 प्लस एक्स पर यूनिट हमने एज्यूम किया है 5 इंटू साइन फाइव कितना हो जाएगा? 0.6। देखिए दिस इज 3.6 और प्लस ये हो जाएगा 3, इट मीन्स 6.6%। सो पहले वोल्टेज रेगुलेशन कितना था? 4.5%। अब कितना आया है? 6.6। तो क्या लिखोगे? मोर देन 4.5%, राइट? यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज पॉसिबल विथ वॉट? नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन किस लोड के साथ पॉसिबल है? ये नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, यहां से जो ऊपर है वो क्या है? वो सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन है इसके ऊपर, राइट? अब नेगेटिव, नेगेटिव तो इतना ही पोर्शन है ना, ये सब, ये वाला जो पोर्शन है ये सब नेगेटिव है। दिस इज नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन किस केस में पॉसिबल है? तो लीडिंग लोड के केस में, राइट? लीडिंग लोड, लीडिंग लोड मीन्स वॉट? ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस तरह का लोड होगा? कैपेसिटिव लोड होगा, राइट? कैपेसिटिव लोड यानी कि ऑप्शन बी। इंडक्टिव लोड में पॉसिबल होगा क्या नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन? नहीं, इंडक्टिव लोड में ओनली पॉजिटिव। रेसिस्टिव लोड में पॉजिटिव। रेसिस्टिव लोड यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी यूनिटी पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव। और रेसिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड यानी कि आर एल लोड, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा। नेगेटिव सिर्फ किस
किसमें पॉसिबल है? कैपेसिटिव लोड में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23। अ ट्रांसफॉर्मर हैज नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस एंड अ पर यूनिट रेसिस्टेंस ऑफ 0.1। नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस है यानी कि आर पर यूनिट को आप यहां पर लिख सकते हो 0%, और एक्स पर यूनिट की वैल्यू गिवन है कितनी, पर यूनिट में 0.1 यानी कि आप इसको लिख सकते हो कितना, 0.1 है ना, तो 10% लिखोगे। इट्स अ वोल्टेज रेगुलेशन ऑन फुल लोड विथ अ पावर फैक्टर एंगल ऑफ 30 डिग्री लीडिंग। पावर फैक्टर एंगल फाई की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, तो आप यहां से कैलकुलेट करोगे कॉस फाई। कॉस फाई मीन्स कॉस 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री इट मीन्स वॉट, ये हो जाएगा 0.866। उसके बाद साइन फाई कैलकुलेट करोगे, साइन ऑफ 30 डिग्री इट मीन्स 0.5। तो कॉस फाई की वैल्यू आपको पता है, साइन फाई की वैल्यू आपको पता है, आर पर यूनिट है 0, एक्स पर यूनिट आपको पता है, तो और लोड हमारा क्या है, लीडिंग है, तो इन केस ऑफ लीडिंग लोड वोल्टेज रेगुलेशन इज व्हाट, कॉस फाई माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाई। आर पर यूनिट की वैल्यू है 0, तो ये होल टर्म हो जाएगा 0 माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि लीडिंग लोड है। एक्स पर यूनिट की वैल्यू के बने 10% इंटू साइन फाई की वैल्यू है 0.5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5%। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी में गिवेन है -5%, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग फिगर शोज द कनेक्शन ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर विथ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो ऑफ 1:100। यहां पर 1:100 इसका टर्न्स रेशियो गिवन है। द अप्लाइड प्राइमरी वोल्टेज इज 100 वोल्ट RMS 50 हर्ज AC। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट I इन एम्पियर इज व्हाट, यहां जो करंट I है, ये जो प्राइमरी करंट है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। टर्न्स रेशियो के मैंने 1:100, तो यहां पर सेकेंडरी साइड में दो एलिमेंट कनेक्टेड है, एक है कैपेसिटर और दूसरा है रेजिस्टर, इन दोनों ही एलिमेंट को मैं प्राइमरी साइड रेफर करके लेके जाऊंगा, ठीक है। तो जो जो पहले से प्राइमरी साइड में अवेलेबल है एलिमेंट, उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पर है 10 ओम का एक रेजिस्टेंस, यहां पर है एक वोल्टेज सोर्स जिसकी RMS वैल्यू के बने 100 वोल्ट, ओके ये। अब जो सेकेंडरी साइड में रेजिस्टेंस है 80 किलो ओम का, उसको मैं रेफर करके यहां पर लिख रहा हूं। 80 किलो ओम का रेजिस्टेंस, इसको जब मैं रेफर करूंगा तो कितना लिखूंगा, इसको मैं रेफर कर रहा हूं आर को, तो मैं आर डैश कितना लिखूंगा, 80 किलो ओम यानी कि 80 × 10³ डिवाइडेड बाय टर्न्स रेशियो स्क्वायर, यहां पर है 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे इट मींस 100 × 100, ये क्या हो जाएगा 10⁴, इट मींस ये हो जाएगा 8 ओम। तो जब मैं इसको रेफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 ओम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद कैपेसिटर है, इसको भी हम रेफर करेंगे, तो सेम XC डैश कितना हो जाएगा, इस साइड है 40 किलो ओम यानी कि 40 × 10³ डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 100 × 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओम। XC डैश कितना हो गया, 4 ओम। बट यहां पर आपको ध्यान रखना है, वेट, मैंने यहां मिस्टेक किया है, यह है XL = 10 ओम, मैंने यहां पर रेसिस्टर लगाया है, तो आप इसको करेक्ट कर लो, दिस इज इंडक्टर, राइट, इंडक्टर है 10 ओम का। अच्छा, इंडक्टर का रिएक्टेंस अगर 10 ओम है तो इसके इंपेडेंस को हम कैसे लिखते हैं, इसके इंपेडेंस को हम लिखेंगे J 10 ओम, राइट। तो मैं यहां पर लगाऊंगा J 10 ओम हो जाएगा, राइट। अब यहां जो कैपेसिटर आया है, दिस इज अ कैपेसिटर, कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना है, 4 ओम, इसके इंपेडेंस को मैं कैसे लिखूंगा, इसका इंपेडेंस होगा -J 4 ओम, राइट। इसका इंपेडेंस क्या हो जाएगा, ये जो कैपेसिटर है इसको मैं लिखूंगा -J 4 ओम ऐसे, राइट। अब यहां पर जो करंट फ्लो करेगा उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। यहां जो करंट फ्लो करता है, दिस करंट इज व्हाट, आई, इसी करंट को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो इस करंट को हम फाइंड आउट कर लेंगे।
उससे पहले आप इसको अरेंज कर लो। यहाँ पर ये क्या है, 8 ओम का रेसिस्टेंस है और रिएक्टेंस कितना है, J10 और -J4। तो टोटल इम्पीडेंस क्या लिखोगे आप, इम्पीडेंस हो जाएगा 8 प्लस J10 माइनस J4 यानी कि प्लस J6, 8 प्लस J6 ये हो जाएगा टोटल इम्पीडेंस, यानी कि Z इज इक्वल टू 8 प्लस J6। तो करंट I कितना होगा, करंट I इज इक्वल टू वोल्टेज विच इज 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस विच इज 8 प्लस J6, राइट। सो 8 प्लस J6 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 8 प्लस J6 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10, क्योंकि रूट ओवर ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी कि रूट ओवर 64 प्लस 36 यानी कि रूट ओवर 100, रूट ओवर 100 मीन्स 10, राइट। तो ये 10 हो गया। अब इसका एंगल कितना होगा, एंगल से खैर यहाँ पर मतलब नहीं है, बट ये हो जाएगा एंगल 10 इनवर्स 6 बाय 8, 10 इनवर्स 6 बाय 8 मीन्स 10 इनवर्स 3 बाय 4, और 10 इनवर्स 3 बाय 4 ये हो जाएगा 36.887 डिग्री, ठीक है। सो जो करंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 10 इट मीन्स 10 एम्पियर, और एंगल हो जाएगा -36.87 डिग्री, राइट। सो आपको एम्पियर में करंट को फाइंड आउट करने के लिए इसने बोला है, तो एम्पियर में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट लोड, किस तरीके के लोड का इंडिकेशन है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन का पॉजिटिव होना, वोल्टेज रेगुलेशन का पॉजिटिव होना मीन्स व्हाट। यहां देखो ये सारा जो रीजन है वो सब क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन है, ये सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये क्या इंडिकेट करता है, किस तरीके के लोड को इंडिकेट करेगा, ए ऑप्शन में है इंडक्टिव, सही है, इंडक्टिव को रिप्रेजेंट कर सकता है, बी में है कैपेसिटिव, तो ये कैपेसिटिव को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट, क्योंकि जो इस साइड है, इस साइड तो लीडिंग लोड है ना, इस साइड तो लैगिंग है, तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन में कैपेसिटिव लोड भी आ जाता है, इंडक्टिव लोड भी आ जाता है। ऑप्शन सी में है इधर इंडक्टिव और कैपेसिटिव, ऑप्शन डी में है प्योरली रेसिस्टिव, राइट। तो यहां पर आप लिखोगे इधर इंडक्टिव और कैपेसिटिव, वैसे जो हमारा प्योरली रेसिस्टिव लोड होगा इसके केस में भी वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, ये पॉजिटिव ही होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव किस किस केस में होगा, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और प्योरली रेसिस्टिव लोड, तीनों ही केस में यहां पर होगा पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, ओके। तो यहां पर चलो ठीक है, फ्रेम करने में कुछ मिस्टेक हो गया होगा। सो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।